Assalamualaikum listeners, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि तमाम ही लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। तो जी जनाब, आज भी हम आपके साथ हैं और मैं जो है आपको सबसे पहले बताते चलूं कि आप हमें किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं, किस तरह हमें सुन सकते हैं। बड़ा ही आसान सा सिंपल सा तरीका कार है। आपने यूट्यूब पे सर्च करना है नई सुबह। नई सुबह जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारा चैनल शो हो जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। जी जनाब, अब मैं अपने कोअर्जे को बुलाना चाहती हूँ कि कुछ जुमले और कुछ डायलॉग्स वो भी बोल रहे अपने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए। तो जी शायद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयनो, खुश आमदीद। लिसनर्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और खुशो खुर्रम होंगे। इस बात पे अभी इरम जरूर हंस पड़ेंगी खुशो खुर्रम के नाम पे और शादो आबाद होंगे। जी 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 जी, हंस पड़ी शायान, लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा। आप मुझे ये बताएं कि ये शादो आबाद का क्या मतलब है, पहले ये बताएं, फिर खुशो खुर्रम का भी मतलब पूछूंगी। बिल्कुल लिसनर्स, ये मुझे लग रहा है कि मुझे ना ताने और छिपियां और निस्तर पढ़ लें, क्योंकि हम ऑफ ईयर जब लास्ट शो रिकॉर्ड कर रहे थे तो, बल्कि नहीं लास्ट शो नहीं, इसी शो में जब हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे थे तो हमारी ऑफ ईयर डिस्कशन हो रही थी कि इरम जो है वो हर दफा शादो आबाद रहने का कहती हैं, खुशो खुर्रम रहने का कहती हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि ये चारों बंदे हैं कौन? अरे हाँ, शायद कौन, आज मैंने अपना एक रिवायती जुमला तो बोला ही नहीं, जिससे आप बड़ा खुश होते हैं और आप बड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद रहता है कि भाई आपने अपनी जिंदगी जो है वो भरपूर तरीके से गुजारी। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने शो का दोबारा स्टार्ट करूँ और अपने लिसनर्स को बोलूँ कि जी लिसनर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। मेहरबानी जनाब आपकी, बहुत शुक्रिया आपने बीच में खुद आपको याद रखने के लिए। मैं याद, मुझे याद है, एंट्री मार दी। अच्छा जनाब, हमारे साथ आज अक्सा मौजूद नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं अक्सर आप लोगों से जिक्र करते रहता हूँ कि ये लोग दोनों जो खवातीन है ना, ये मिल मिला के मजे मजे की ट्रेनिंग्स अटेंड करती रहती हैं, काम की ट्रेनिंग अटेंड करती रहती हैं। तो अभी भी अक्सा एक ट्रेनिंग अटेंड कर रही है जिसकी वजह से हमारे साथ वो शामिल या मौजूद नहीं है। तो अब हम उनको यकीनन मिस तो कर रहे हैं और आप भी यकीनन मिस कर रहे होंगे। तो जनाब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यकीनन अब ये जो वीक है इसमें क्रिसमस आने वाला है, तो मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस जो भी आप कहना चाहें। सबसे पहले तो मेरी तरफ से एडवांस में इरम को, दोनों ही कह सकते हैं। हाँ, तो इरम को एडवांस में मैरी क्रिसमस। और इरम ये बताएं कि जैसे हम लोग ईद मना रहे होते हैं और बड़े जोशो खरोश के साथ, खुशो खुर्रम के साथ ईद मना रहे होते हैं, तो अब आप ये बार बार ना बोले वरना लिसनर्स कहेंगे कि वाकई में कोई खुशो खुर्रम नाम का कोई आदमी है या इंसान है जिसको बड़ा याद कर रहे हैं शायान। ना करें शायान ऐसा। चलें ठीक है, नहीं बोलता। तो मुझे ये बताएं कि आप किस तरह क्रिसमस एंजॉय करते हैं? हम तो भाई देखें, हमारी जो ईद की शुरुआत होती है वो ईद की नमाज से होती है, उसके बाद फिर ईद मिलने का सिलसिला होता है, कभी किसी के घर जाना, कभी किसी का घर आना, और बच्चों की जो उम्मीद होती है वो तो यही होती है कि जी ईदी मिलेगी। तो आप बताएं कि आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं और इबादत कैसे अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि जी और स्पेशल क्या करते हैं, कोई केक शेक होता है या फिर कोई ईदी वीदी मिलती है बच्चों को कि नहीं मिलती, तो ये सब बताएं। अल्लाह शायान है कि आपने इतने सारे सवाल एक साथ कर लिए। मैं सोच रही हूँ कि पहले क्या, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से जवाब दूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ कि चलो मैं सोच रही हूँ यहाँ से शुरू करूँ, जैसे आपने कहा। हाँ, शुरू से शुरू कर देती हूँ ना, ऐसे भी कह रही हूँ, शुरू से शुरू कर रही हूँ मैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने अभी अभी कहा अपनी बात में कि हमारी जो ईद है वो ईद की नमाज से शुरू होती है, तो सेम है बिल्कुल। हम जब तक क्रिसमस की इबादत चर्च अटेंड ना करें हमारा क्रिसमस शुरू नहीं होता। चाहे रात के 12 बजे क्रिसमस शुरू हो भी गया हो, लेकिन दुआ से पहले, इबादत से पहले क्रिसमस नहीं होता। तो इबादत होती है, उसके बाद सेम वही के मिलना मिलाना होता है,
और दावतें घर पे कोई आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए, या हमें किसी के घर जाना पड़े तो हम चले जाते हैं, कोई हमें बुला ले तो, या हम बुला लेते हैं। और वही बात है कि ईदी भी दीदी जमा होती है, बच्चों को देते भी हैं अपने से छोटों को, हमारे बड़े हमें देते भी हैं, तो साथ साथ देते भी रहते हैं और लेते भी रहते हैं, तो क्या जमा होगी सोचे जरा, कुछ जमा होगा नहीं होगा, जो हमें मिलता हो हम अपने छोटों को दे देते हैं। तो और बाकी स्पेशल जहाँ तक होने की बात है तो केक कटिंग सेरेमनी हो रही होती है हर जगह, और इवन मेरे अपने चर्च में जो है वो रात को 12 बजे भी केक कटिंग सेरेमनी होती है। स्पेशल केक कटता है, एक बहुत बड़ा केक कटता है, वो पूरा इलाका जो है वो उसमें शामिल होता है। और सुबह फिर दो चर्चेज होते हैं हमारे इलाके में, तो वहां पर भी लोग अपने अपने चर्च में जो है वो केक कटिंग सेरेमनी करते हैं पूरी इबादत के बाद, जैसे चर्च से बाहर आते हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है, बहुत इंजॉय करते हैं लोग इस मोमेंट्स को। तो ये है कि बहुत ही मजा आता है क्रिसमस पे, और पिकनिक भी जाते हैं, कभी चले जाते हैं कभी नहीं भी जाते, अगर कोई गेस्ट आ जाए घर में तो फिर नहीं जाते, नहीं कोई आता तो फिर चले जाते हैं, या फिर कोई आए भी तो हम उसको तैयार कर लेते हैं कि यार हम जा रहे हैं तो हमारे साथ चल लो, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। तो ये होता है सब क्रिसमस पे। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, है ना? बिल्कुल, सवालों के जवाब तो मुझे मिल गए, लेकिन उस सवालों के जवाब से मजीद सवाल निकल आए हैं, तो अब मैं वो एक एक करके करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले आपने बोला कि जी केक बहुत बड़ा कटता है जिसमें पूरा इलाका शामिल होता है, तो क्या किस किस्म का केक होता है वो क्या कहते हैं, पाइनएप्पल केक होता है या बंदों से बना हुआ केक होता है कि पूरा इलाका इसमें शामिल होता है? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि वो पूरे इलाके के जो लोग है ना, जैसे हमारे चर्च कमेटियां जो होती हैं, तो वो पूरे इलाके के लोग फिर पैसे देते हैं अदिये के तौर पे, इकट्ठा करते हैं, फिर उन पैसों का जो है वो बहुत बड़ा केक आता है, और वो केक कोई भी हो सकता है। पिछले साल तो जो है वो चॉकलेट केक कटा था चर्च में, अब इस साल का अभी तक पता नहीं है, जब केक आएगा दिखेगा, खाएंगे काटेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा केक था, और ये है, समझे? चले ये तो बात हो गई। अच्छा यार, इसमें बड़े मजे की बात आपने मुझे बताई कि जी आप लोग पिकनिक्स भी इंजॉय करते हैं, और अगर कोई मेहमान आया हो तो उसको भी साथ ले चलते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है कि यार खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं और गम बांटने से कम हो जाते हैं। अच्छा, इस दिन के साथ साथ, क्रिसमस के साथ साथ, इस दिन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत भी होती है, बर्थडे भी होती है, तो वो भी एक स्पेशल ओकेजन होता है पूरे पाकिस्तानियों के लिए, के जो हमारे बाबा कौम है उनकी विलादत का दिन है, तो वो भी एक मिली जोश और जज्बे और जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि आपने कभी अटेंड किया है मज़ार-ए क़ायद पे जाके हाजिरी दी है सुबह सुबह, और वो जो गार्ड की जो तकरीब हो रही होती है, गार्ड चेंजिंग तब्दीली होती है? नहीं पता है शान, देखें आप उसी दिन क्रिसमस भी होता है और उसी दिन जो है वो कायदे आजम डे भी होता है, लेकिन जा नहीं पाते, उसकी वजह ही होती है कि रात पूरी सोते ही नहीं है, सुबह बस एक आध घंटा बंदा लेट जाए तो लेट जाए, उसके बाद बस उठते हैं तो चर्च जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, तो कहाँ से जाके देखा होगा, आप सोचे जरा कैसे गई होंगी मैं मज़ारे कायद पे। लेकिन वैसे मेरी ख्वाहिश बड़ी है, किसी दिन मैं जरूर घूम के आऊंगी, सोच रही हूँ इस दफा घूम के ही आऊं पहले मज़ारे कायद पे, फिर आके इबादत अटेंड करूं, कैसा? अच्छा नहीं, वैसे शान एक सवाल आपसे भी है मेरा, कायदे आजम डे जैसे आपने बताया है और जैसे क्रिसमस भी है, तो आप इस दिन पे क्या करते हैं खास, आपकी कोई रूटीन, जैसे एक आम तो रूटीन होती ही होगी आपकी और है भी, लेकिन इन दिनों में कोई खास ऐसा कुछ है भाई मुझे मेरे साथ और मेरे लिसनर्स के साथ आप शेयर करें? भाई मुझे तो ये होता है कि काफी मतलब मुश्किलों से छुट्टी मिलती है, तो छुट्टी को एंजॉय करने का बेहतरीन तरीका होता है कि सो के गुजारी जाए, लेकिन चूंकि साथ में मेरे साथ बेटी भी है तो वो अक्सर यही सिद्ध करती है कि भाई कहीं घूमने चलते हैं पापा, तो उसकी भी माननी पड़ती है, सिर्फ अपनी ही नहीं माननी होती ना, घर वालों की भी माननी होती है, तो कभी बात है। वैसे भी आपको सोने के अलावा और कोई काम भी है, कभी घुमाया करें बच्चों को, कभी भाभी को घुमा लिया करें, कभी बेटी को घुमा लिया करें। बता रहा हूँ ना, मुझे सोने के साथ साथ चांदी का काम भी है, तांबे का काम है, पीतल का काम है, हीरे का काम भी है मेरा तो। जबरदस्त जबरदस्त, सही है सही है,
सही जा रहे हैं। वैसे अक्सा के बगैर बिल्कुल सुन सुन लग रहा है, खुश्क चल रहा है पूरा माहौल। क्या कर सकते, अक्सा की खासी मसरूफियात हैं जिनकी बिना पर वो ये शो नहीं कर पा रही, वरना आपकी तरह वो भी मुझसे सवाल पूछती बहुत सारे बड़े चुन चुन के सवाल, जो आपने नहीं पूछे होंगे ना अभी तक वो उसके दिमाग में होंगे। अब जब वो शो सुनेगी वो कहेगी मैं होती तो मैं ये सवाल करती रंग से, नहीं सयान ने ये नहीं पूछा। चलो मैं एक काम करता हूँ कि मैं 5 मिनट के लिए अक्सा की जहन से सोचता हूँ कि अक्सा क्या सवाल कर सकते हैं, फिर मैं वो आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? चले ठीक है, लेकिन उस दौरान आप ये बताएं कि सर्दी कैसे लग रही है आपको, सर्दी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सर्दी का जवाब देते देते आप ये भी सोच लीजिएगा ना। बहुत लग रही है सर्दी, बहुत ज्यादा लग रही है मुझे। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी लास्ट वीक इंटीरियर सिंध से होके आया हूँ, तो वहाँ तो और ज्यादा ठंड है भाई, मजा आ गया था वहाँ पे सर्दी को एंजॉय करने का। अरे वाह जबरदस्त, यानी आप फिर किसी जगह घूमने चले गए और दिल जलाने आ गए बताने के लिए, मतलब तो मैंने आपको क्या नहीं है ना, आपको मतलब दिल जलाने से बाज नहीं आएंगे, आपको बांध के रखा हुआ है कि आप भी घूम के आए, कोई मना कर रहे हैं, जाए घूमे फिर अल्लाह ताला की दुनिया है, जमीन पूरी भरी पड़ी है, कहीं भी चली जाए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है मैं क्या सोचती हूँ, कहती शायद हमें बताते इसलिए होंगे कि अक्सा और इरम कहीं घूमने नहीं जाती, मैं चलो इनको बता बता के खुश कर लूँ कि भाई मैं यहाँ गया या वहाँ गया, नहीं यही सोच होती है ना आपकी। मैं आपको ना वर्चुअली घुमा लेता हूँ क्योंकि कोविड चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको ना ऑनलाइन ही घुमा देता हूँ बस। नहीं छोड़े छोड़े, वो तो मैं खुद भी घूम लूंगी गूगल मैप से, यही बोलने लगे थे ना गूगल मैप पे तो अमेरिका भी देख लूं। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं आपको गूगल मैप पे घुमाना चाह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बातें बता के वैसे कैसे बातें बता के घुमाऊंगा ना कि भाई ये हुआ ये किया। अच्छा, बताएं आप जहाँ घूमने गए थे वहाँ क्या कुछ खास था, क्या किया आपने वहाँ पे? भाई खास कुछ यूं था कि एक तो सुकून बहुत था, आम जो डेली रूटीन की है हमारी उससे बिल्कुल हटा हुआ था, ठीक है, काम वाम इतना बर्डन नहीं था, रिलैक्स था माइंड, ठीक है। और जहाँ पे हमारा होटल था तो वहाँ पे भी बहुत सुकून वाली जगह थी, शोर शराबा नहीं था, तो दिमाग के सुकून के लिए ये भी बड़ी अहम बात होती है कि आप किसी सुकून वाली जगह पे जाएं। और खाने भी बड़े मजे मजे के थे वहाँ पे, जो लोकल होटल्स थे वहाँ पे जिसे हम ढाबे कहते हैं आम जमान में, तो वहाँ पे भी बड़े जायकेदार खाने थे, मजेदार से सुबह नाश्ता हमने किया, तो नाश्ते में भी बड़ा मजा आया, हमने अंडा घोटाला साथ पराठे खाए तो बड़ा ही मजा आया भाई। और एक एक चीज में जायका आ रहा था। असल बात ये होती है इरम कि आप खुद एंजॉय करना चाहे ना तो आप कहीं बैठे भी होंगे ना, आप कोई नजारा भी देख रहे होंगे तो आप उसमें भी इंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं, इवन कि आप कमरे में भी बैठे होंगे ना आप कमरे को देख देख के एंजॉय करने लग जाते हैं, यार ये कमरा किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बना होगा, और मतलब कुछ भी सवाल आप सोच के आप उसको या फिर कमरे की मतलब जैसे हम कमरे में बैठे होते हैं अक्सर ही, तो दिमाग पता है बहुत सारी चीजें आ जाती हैं दिमाग में, बैठे बैठे सोचते रहते हैं, और फिर गौर गौर से जब कमरे की सारी दीवारों को देखते हैं ना या हर तरफ देखते हैं, तो कहते हैं हम ना यहाँ पे ये सेटिंग करेंगे, हम ना यहाँ पे ये सेटिंग करेंगे, ये जब बना होगा तो कैसा होगा, ये कि जब बन रहा था ये बनने से पहले ही कैसा था, मतलब बहुत सारी ऐसे दिमाग में चीजें आती हैं, और बंदा इन चीजों के साथ भी एंजॉय करता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं भी बैठे हों अगर हमें एंजॉय करना हो हम कर सकते हैं, जबरदस्त छा गए हैं आप तो शायान वैसे। अब जैसे मैं अच्छे आदमी है अब आज मान गया। बिल्कुल मैं इसके बारे में बात करना शो करते हुए ये सोचता हूँ कि काश इरम भी अकलमंदों वाली बातें करती कितना अच्छा होता, तो मैं इस बात को भी एंजॉय करता हूँ, अगर इरम भी अकलमंदी वाली बातें करती मैं उसको और एंजॉय करता। इसी तरीके से जो अक्सा हैं वो अगर मजीद अकलमंद हो जाती तो कितना अच्छा होता, तो ये भी एंजॉयमेंट के तरीके गार हैं। मतलब आप पॉइंट मार रहे हैं, पता है मैं क्या सोचती हूँ, अगर शायान के पास इतनी अकल होती तो कि वो थोड़े सोचते दिमाग से कि यार थोड़ी अकल इरम और अक्सा को भी दे दूं तो क्या ही बात होती, सोचे मैं ये सोच के कितना एंजॉय करती हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा मेरे एक आपसे सवाल है। समझे जी जी कहें सवाल करें। सवाल ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हाँ
मैं क्या करूंगी 1 करोड़ का? कैसा सवाल है ये शायान? गाड़ी लूंगी, बंगला खरीदूंगी, फर्नीचर अच्छा वाला अपने बंगले में लगवाऊंगी। कैसा मैडम 1 करोड़ रुपए में बंगला कहाँ से आएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, 1 करोड़ रुपए आजकल तो बंगले कोई 15-20 करोड़ के आते हैं। नहीं नहीं थोड़ा सस्ता वाला ले लूंगी ना यार। आप चाइना का बंगला? गरीब आदमी बेचारा सस्ते पे खुश हो जाता है। चाइना का मिल जाए, जापानी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कराची का कोई मिल जाए, पाकिस्तान में किसी शहर में भी मिल जाए, वही ले लूंगी। मुझे तो लगता है कि आप बता, पूछ रहे तो जवाब तो दो। रेगिस्तान में मिलेगा आपको बंगला। रेगिस्तान में क्या करने जाऊंगी मैं भाई, 1 करोड़ का तो वही मिल सकता है। आपको याद आ रहा है आपको घूमने क्या रेगिस्तान? बंगला नहीं तो 2-3 गाड़ियां तो आई जाएंगी ना, एक साथ ही ले लूंगी 2-3 गाड़ियां, फिर वो गाड़ियां किराए पे दूंगी 1-1, 2-2 लाख की। फिर वो 1-1, 2-2 लाख हर महीने मिला करेगा तो बहुत सारे पैसे जमा करके बंगला ले लूंगी किसी वक्त में। कैसा अच्छा आइडिया है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ना मैं एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ। हुआ ये कि एक खान साहब के पास ना जिन आया, कि जिन कहता है कि जी मुझे बताओ कि आपकी क्या ख्वाहिश है, 3 ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा आपकी ना। तो पठान कहता है कि चलो ठीक है, काम करो कि एक बंगला लेके आओ। उसने बोला बंगला लेके आ गया, ठीक है जादू से बंगला आ गया भाई। कहता है इसमें ढेर सारे नौकर चाकर लेके आओ और गाड़ियां वाड़ियां लेके आओ, सब कुछ लेके आओ। तो वो भी लेके आ गया। कहता है आखिरी ख्वाहिश बताओ। कहता है तो कहता है इतना सोचने के बाद कहता है अब मुझे इस बंगले का चौकीदार लगवा दो। अच्छा तो आपने भी वही किया कि मैं फिर गाड़ियां खरीदूंगी, गाड़ियों को किराए पे लगाऊंगी। भाई बंदा कोई और ज्यादा अच्छा सोचता है। तो मैंने अच्छा सोचा, मैंने अच्छा बोला, आपने मुझे बोला बंगला नहीं आएगा 1 करोड़ में, तो मैं और क्या करूँ? गाड़ियां ना कि किराए पे दूंगी, जो किराया मिलेगा उसे 1-2 साल तक जमा करूंगी, सेविंग करूंगी उसकी, और फिर बाद में बंगला खरीद लूंगी। बिजनेस वुमन की सोच है इसकी। चलें लिसनर्स, हमारी बातें तो चलती रहेंगी और अक्सा को भी हम मिस कर रहे हैं। इसी का सबूत देते हुए हमने अक्सा का भी 2-3 दफा जिक्र किया। अब आपसे एक सवाल के साथ, जिस तरह मैंने इरम के साथ एक सवाल किया है, तो आपसे भी एक सवाल करता हूं कि जी अगर आप लोगों के पास 1 करोड़ रुपया आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? तो ये जरूर कॉमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर मैं अगले शो में आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ूंगा कि भाई किसने क्या क्या जवाब दिया कि भाई 1 करोड़ रुपए पे वो क्या करेंगे। अरे वाह। तो इसी के साथ हम लोग अपने शो को करते हैं वाइंड अप, और इंशाल्लाह अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और इरम को रखिएगा दुआओं में याद। फी अमान अल्लाह। जी तो लिसनर्स, इसी तरह से मैं भी चाहूंगी अब आपसे इजाजत। मिलेंगे किसी अगले शो में अगले टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ, नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का रखिएगा ख्याल, हम सबको रखिएगा अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।